जी, तो सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट है या नहीं है, डजंट मैटर, आप जो है सिंपल amazon.com को ओपन करें, या अगर यूके के लिए करते तो .uk करें या co.uk करें, जो जिस तरह भी आपको लगे। तो सबसे पहले आपको बताया था ना कि जब यूएस का हो तो यूएस की आपने जिप कोड जो है उसको यूज करना है। यहाँ तक तो सबको क्लियर था ना कि प्रोडक्ट जिस जगह पे आप वेरीफाई कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, जिस जगह के लिए आप देख रहे हैं, आईडी जिस जगह की है, यूएस की है, यूके की है, क्लाइंट कहाँ का है, सर्विस कहाँ दे रहा है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। सो अमेजोन जैसे आपके पास ओपन हो जाए, इस वाली चीज़ पे आपने फोकस सबसे पहले करनी होती है। तो डिलीवर टू पाकिस्तान है, अब डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं करना, आपने यूएस का है, .com है मीन यूएस, तो आपने यूएस का कोई रीजन उसको देनी होती है। तो यहाँ पे हमने आई थिंक कि न्यूयॉर्क का है, हमने डन करवा दिया है, और देखते हैं ये हमें वो ऑप्शन देता भी है या नहीं। सॉरी, नीचे हमने ऑप्शन जो था पाकिस्तान, हम करेंगे यहाँ पे। हाँ, क्या यूनाइटेड स्टेट्स लगभग माइनर में आता है या नहीं, लेकिन कर देते हैं। वैसे सम टाइम यहाँ पे सम टाइम आपको दिए भी होते हैं सिटीज, वहाँ से करें, नहीं दिए होते तो सिंपली आप जो है अमेरिका क्लियर गया, अमेरिका या यूनाइटेड में आप माइनर ले, लेकिन उसी रीजन का हो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आनी चाहिए आपका, बस चाहे यहाँ जो भी आए, यूनाइटेड स्टेट हो, ठीक है, वहाँ अवेलेबल हो प्रोडक्ट। चेंज हो गया, अब ये वो प्रोडक्ट हमें शो हो रहे हैं। अब देखें, पहले पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान में अजीब सी चीजें हमें दिखा रहे थे, जो कि मुश्किल से शिपमेंट भी उनकी नहीं हो पाती यहाँ पे, क्योंकि सेलर अकाउंट तो आपका बन जाता है, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप जो है पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपका वेयर हाउस ही नहीं है। वैसे आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कर सकते हैं। एनी हाउ, अब जिनके पास टूल नहीं है, अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं ये सारे आपके हैं यूएस रीजन के, ठीक है, वहाँ एक्सेस मिली है इनको। अब आपके पास प्रोडक्ट जो है नहीं, ओ सॉरी, हंटिंग टूल नहीं है। अब हंटिंग टूल जब नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एक वर्ड को टाइप करना है। अब जैसे मैं ए से शुरू होता हूँ, ए, तो यहाँ देखे लोग क्या क्या इसको सर्च आउट कर रहे हैं, मीन निकालना है ना, आपने एनालिसिस करनी होती है। ये बात आपने माइंड में रखे, जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई जिन्नातों वाला वो नहीं है कि बस वो आपको सारी चीजें देगा, बल्कि उनकी जो एपीआई सिस्टम होती है वो कनेक्टेड होती है अमेजोन के साथ। वो आपको 70% डेटा जो है वो बिल्कुल ठीक देती है, 30% में कमी बेशी आती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जब तक टूल नहीं है, आप यहाँ से भी एनालिसिस प्रोडक्ट की कर सकते हैं। आप कैसे, जिस प्रोडक्ट को भी आप सोचे या आपके माइंड में आए या कुछ भी ना आए ना, क्लाइंट के लिए आपने बेस्ट चीज ढूंढनी है, किस पोजीशन में जब आपके पास टूल्स ना हो, आप यहाँ पे आके सर्च में जस्ट दे दें, ए दे दे, बी दे दे, सी, ठीक है, उसकी जो आपको ये सारी चीज यहाँ पे शो हो रही है, अगर इसमें से आपको पसंद आता है ठीक है, वरना साथ में एक और करें, ठीक है। अब देखे यहाँ आपको ये सारी चीज मिली, साथ में कुछ और करें, ठीक है। अब ये तो हम वैसे आपको दिखा रहे हैं ना कि कुछ भी आपको यहाँ पे सर्च करना होता है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बेबी, ठीक है, बेबी की चीजें होंगी, आपको सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होंगी। कोशिश क्या करनी है कि ये वाला पोर्शन जो है ये आपका ऑल डिपार्टमेंट रहना चाहिए, ये ना हो कि आपने जस्ट कोई एक को सेलेक्ट किया हो तो फिर आपकी रिजल्ट उसी के लेवल के आएंगे।
तो हम बेबी में क्या करते हैं, बेबी वाइप आ गया, ये हमने ये सेलेक्ट किया। ठीक, अब देखें हजारों लोग बिजनेस कर रहे इस चीज की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं फर्स्ट पेज पे, और कितने रिजल्ट्स शो कर रहे हैं आपको, 670। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉप पे होते हैं ये आपके वो प्रोडक्ट है जिस पे आप कुछ कर सकते हैं। अब सपोज करें यहाँ आपने एक प्रोडक्ट जो है सर्च कर दिया है, उसकी वैल्यू आपने यहाँ से अंदाजा लगा देना है, लेकिन फिर मसला कहाँ पे आता है कि जी ये तो हमने देख लिया है, इसमें हमने क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेलर के जो बेस्ट सेलर होते हैं उनमें आते हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे आके बेस्ट सेलर में जाएं, मीन अमेजोन का अकाउंट होगा, लेकिन यहाँ आपने सर्च करना है विदाउट टूल। जब आपके पास टूल ना हो और आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, वैसे अपनी एक लिस्ट बनाना चाह रहे हो कि हमें कुछ वैल्यू मिल जाए, कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो है वो हमें शो हो जाए, हम एनालिसिस कर सके, हमारी प्रैक्टिस हो। तो जब तक आपके पास प्रैक्टिस के लिए टूल्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ये सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल है, जस्ट थोड़ी सी आपने एफर्ट्स करनी होती है। कोई भी प्रोडक्ट एनालिसिस आपने करनी है, आप वो देखें, देखें कि कितने लोग यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं, कितने लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले को 17 सेलर कर रहे हैं, इसको 3 सेलर कर रहे हैं, सारा डाटा इनके साथ एक एक को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मजीद डिटेल मिलेगी। सिंपल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जंगल स्काउट की तरफ जाना है, लेकिन ये मैं पहले उनको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर हमारे पास नहीं है। अब क्या करना है, बेस्ट सेलर के ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, अब अमेजोन बेस्ट सेलर एनी डिपार्टमेंट, इसमें ले ले, लॉन्च पैड में ले ले, गेम्स में ले ले, आर्ट एंड क्राफ्ट में ले रहे, ब्यूटी एंड पर्सनल प्लेयर में ले रहे, कैमरा फोटोज, ये सारे आपको बेस्ट सेलर की कैटेगरीज बताई हुई हैं कि ये वो कैटेगरीज है जिसमें कुछ सेलर जो है वो बेस्ट बन चुके हैं। अब मुझे कोई एक स्टूडेंट इन सब में से, मैं नीचे आ रहा हूँ, कोई एक स्टूडेंट कोई एक बता दे मुझे इन सब में से ताकि हम उसको ओपन कर सकें। होम एंड किचन, ठीक हो गया, ओपन हो गया, नजर आ रहा है सबको? यस। जी, अब ये जो है आपका क्या है, बेस्ट सेलर्स हैं जो कि होम एंड किचन पे काम करें, नंबर वन पे ये है, नंबर टू पे ये है। अच्छा, इस चीज में आपने सबसे पहले एक चीज पे फोकस यहाँ करना होता है कि कहीं ये स्पॉन्सर तो नहीं है। ठीक है, तो नहीं, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पावर बाय जंगल स्काउट। ठीक है, जिसके पास स्पॉन्सर हो उस चीज को तो ना आपने जंगल स्काउट में काउंट करना है ना कि अपने एनालिसिस में। वजह क्या होती है कि उन्होंने अमेजोन को पेमेंट दी होती है, क्या दी होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ, एक एक चीज समझानी है ना आज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आ रहा, मतलब ये हाई प्रोफेशनल जो बेस्ट सेलर थे ये उनका ओरिजिनल डाटा है। आप इन प्रोडक्ट्स को भी जो है टारगेट कर सकते हैं, इस पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस जो है इनका ग्रोथ जो है आपके सामने है। नंबरिंग देखें, फर्स्ट पेज पे देखें, अगर आपके पास बेहतरीन टूल्स मौजूद है जैसे हेलियम एंड जंगल स्काउट, फिर आपने उनका एसएन नंबर जो है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है आपका ये वाला, यहाँ आपने कॉपी करके या यहाँ से कॉपी करके आपने जंगल स्काउट में जाके फिर इसकी, मतलब यहाँ पे तो आपको इसका कीवर्ड नजर नहीं आ रहा ना, इतना बड़ा नाम है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इसके एनालिसिस अगर जंगल स्काउट पे करें, नंबर वन पॉइंट कि अगर हम इस चीज की एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कोई एक्यूरेट कीवर्ड नहीं मिल रहा कि हम क्या करें, मतलब हमें तो शीट नजर आ रही है लेकिन प्रॉपर टाइटल नहीं है। तो इसका एसिन हम जो है कॉपी करेंगे जंगल स्काउट में, उसको
देखेंगे उसकी वैल्यू, हम वहां पे सर्च करेंगे। अच्छा ये प्राइम है, प्राइम का मतलब भी समझ चुके हैं आप, जो प्राइम लिखा होता है मींस के वेयर हाउस में ये चीज मौजूद है। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट कर आपको अगर एसएन ढूंढना है तो आपको एसएन यहाँ से भी मिल सकता है जंगल स्काउट के लिए, ठीक है, नीचे आके भी मिल सकता है, उसके लिए आपने परेशान नहीं। आप कहीं पे यहाँ पे स्पॉन्सर नजर आ रहे हैं वो मुझे जरा बताएं, जस्ट मैंने आपको वो शो करना है कि आपने वहाँ पे भी वो चीज उससे अपने आप को बचाना होता है। चलो इसमें तो हमें कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आ रहा, वैसे जिसके साथ स्पॉन्सर लिखा होता है इट मीन्स इन्होंने अमेजोन को पेमेंट की होती है कि आप जो है जो भी डेट शीट को सर्च करें तो आप हमारे जो प्रोडक्ट है उनको फर्स्ट पेज पे लेके आए, तो मीन स्पॉन्सर चीज उन्होंने पैसे दे के फर्स्ट पेज पे उनको किया होता है, तो इट मीन्स कि आप उस पर बिजनेस नहीं कर सकते। क्या पता उसका कंपटीशन हो ही ना, क्या पता उसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो उतना हो ही ना जितना रिक्वायरमेंट है यूएसए के लिए। ठीक है, तो आपने स्पॉन्सर से बचना है, बाकी आपने सब कुछ जो है एक्यूरेट डेटा आप यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, इसकी बेस्ट सेलर पे भी आप जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनको बेस्ट सेलर का मिला है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये बेस्ट सेलर है तो आप इस पर भी जो है बिजनेस कर सकते हैं। अब इसका हम डेटा मालूम करते हैं सिंपल, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से डेटा उठाएं, एनालिसिस आप यहाँ से कर गए, फिर आपके पास अगर प्रोडक्ट हंटिंग का टूल आ गया है तो आप इस वाले प्रोडक्ट की जो बेस्ट सेलर की है वो क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर उसके एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसके आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं। अब अगर आप इसको लिस्टिंग पे लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट आपने पसंद किया नंबर वन पसंद किया, यहाँ से इस तरह आपने टाइप किया, उसने आपको रिजल्ट्स दे दिए, जब पसंद आया आप कहते हैं कि मेरा क्लाइंट इस पर बिजनेस करे क्योंकि ये बेस्ट सेलर का है, तो आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्या करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे। अगर टूल है कॉपी एसएन, ठीक है, यहाँ पे आए जंगल स्काउट आपके पास होगा, जब ओपन करेंगे ये कीवर्ड्स वाला जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे और कीवर्ड स्काउट पे आए, इस चीज पे आएंगे कीवर्ड स्काउट, इसी तरह जाते रहें, या तो आप यहाँ पे वहां से लिया हुआ कीवर्ड भी डाल सकते हैं जो आपने यहाँ पे डाला है। ठीक है, या आप ऐसे देखें ये रहा, यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं, तो ये सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखें कि यूनाइटेड स्टेट हो, क्योंकि आईडी क्लाइंट सब यूनाइटेड स्टेट वाले हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, जी पेस्ट किया सर्च। अच्छा, इन्होंने हमें जो है हमने क्या किया, इसको यहाँ पे उनका एसएन डाला, सर्च किया। ठीक है, ये देखे वहाँ पे जो टाइटल था ना ये उन्होंने वो दे दिया मैं, इट मींस क्या, इट मींस कि हमने जो कोड जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हर प्रोडक्ट को अमेजोन देती है उसने वेरीफाई कर दिया है, वहाँ पे भी ये टाइटल था ना मेलानी क्वीन शीट सेट, ठीक है, और वगैरह वगैरह, और ये वाली पिक्चर थी, तो उसने वहाँ इस वाले नंबर का यहाँ पे हमें क्या किया वो एग्जैक्ट चीज शो करी कि हाँ जी ये। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेवेंट हमें कीवर्ड चाहिए क्योंकि उस पर हमने आगे जो है फर्दर काम करना होता है ना लिस्टिंग के लिए अपने क्लाइंट के लिए, तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे ना उस वाले टाइटल को देखें और इस वाले कीवर्ड को देखें। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो पसंद आए जैसे बेडशीट एक हो गया, एक कीवर्ड हमें ये मिला अच्छा है उससे रिलेटेड है, ठीक है, एक ये हो गया किंग साइज शीट, ठीक है, ये सारा कुछ हमें पूरा कीवर्ड इन्होंने बता दिया, फुल साइज बेड
बेड एंड शीट एंड पिलो केसेस, ठीक है, शीट सेट, क्वीन बेड एंड। आप इसको अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोई अच्छा सा इसका कीवर्ड तलाश करेंगे और उसको टक्कर देंगे, ताकि ये वाले जो ऊपर का, इस वाले को आप बिजनेस में क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें, कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले कीवर्ड का हम जनरल स्काउट पे क्या कर देते हैं, बोले एनालिसिस करना चाहते हैं। तो सिंपल हम जो ये अमेजोन का यहाँ पे आपको लोगो नजर आ रहा है, इस पे सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जी हो गया, ओपन हो गया ना, हो गया। Yes. ठीक है, अब हमने यहाँ पे जंगल स्काउट पे कैसे इसकी एनालिसिस करनी है, जो चीजें मैंने कल बताई थी आपके, सर्च वाली में ऐसा होगा, सर्च वाली में ऐसा होना चाहिए, जैसे एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, अगर मैं पूछूँ तो क्या होना चाहिए सेलिंग प्राइस, कहाँ से कहाँ तक की रेंज में हो, ये ओपन 14 से 39 यस, और सर्च वॉल्यूम मिनिमम जो हो कितना हो, 12,000। शाबाश। एंड टॉप सेलर जो फर्स्ट पे आ रहे हो वो मोर देन कितने हो, उसकी जो रेवेन्यू है, ₹15,000 से जितने भी आगे हो, ठीक है, मतलब 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए, बस 50 तक हो, 60 तक हो, जिस तरह हो, लेकिन ज्यादा हो, ठीक है। और उसी लिस्ट में 10 पहले जो होंगे उसका 3-4 सेलर पे जो हो, मैक्सिमम जो उनकी रिव्यूज उनके प्रोडक्ट पे हो वो 200 से मोर देन हो या लेस देन हो, लेस लेस हाँ, देन 200 से उनकी रिव्यूज जो होते लेस हैं देन वो लेस देन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो चलो हमें यहाँ पे टाइटल जो वहाँ से हम आए थे जंगल स्काउट से, यहाँ पे वो टाइटल ओपन हो गया, मीन कीवर्ड, उस पे हम जंगल स्काउट पे जाते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली जो एक्सटेंशन में हमारे पास जंगल स्काउट होगा उसको रन करेंगे, तो ही वो हमें रिपोर्ट देगा, उसी रिपोर्ट पे हम जो है अपनी एनालिसिस रिसर्च करेंगे। जब आप सीखेंगे ना तो आपके लिए 2 मिनट का काम होगा, वहाँ आपने कीवर्ड डाला, यहाँ पे आपने सर्च किया, एक्सेल शीट आपने बना दी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की, फिर आप उसको जो है सेलर अकाउंट पे जाके उसके साथ क्या करेंगे, लिस्टिंग, सोर्सिंग भी कर सकते हैं। कल की क्लास सोर्सिंग पे होगी आपकी, मीन क्या सोर्सिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आपको कोई डेटा मिस हो तो आपको क्या करना चाहिए, सम टाइम तो प्रोडक्ट खुद ही शो नहीं करता, मीन कि उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, सम टाइम ये आपको कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र करें, सब जो है आप कंप्लीट हो जाए, थोड़ा और वेट करते हैं, बट ये वाला हैंडल जो है नीचे होता है, स्कूप है ना, वीवी है, यहाँ से आप प्रेस करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक आपने ये देखा होगा स्टीम वालों के पास जो सैंपल हर जगह मिल रहा होता है, ये देखें, ठीक है, ये देखें, इन्होंने कहा मीन यही कीवर्ड पे हम अगर इसको रन करते हैं, शुक्र, हाँ जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि यहाँ, अच्छा यहाँ पे सम टाइम क्या होता है कि हमारी यहाँ से चीज़ें बंद होती है, इसलिए नहीं होता, अगर वहाँ से आन भी हो तो यहाँ पे अगर ना आ रहा हो तो मीन के इसका ही डाटा यही अवेलेबल है, ठीक है। तो मेन्यू में ये जो 3 लाइंस होते हैं इस पे जाएंगे हम, जनरल स्काउट की अवेलेबिलिटी देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज भी जो है इसमें हम क्या जो है, अच्छा ये आपको जो है कि यहाँ पे और डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, सेलर टाइप भी करते हैं। ओके, जो जो हम करेंगे वो सारी हमें ये बताता रहेगा, ठीक है। टायर को भी कर देते हैं, टायर मीन साइज, ठीक है। सेलर टाइप अभी हो गया, नंबर ऑफ सेलर इसको छोड़ देते हैं, कर ये भी जरूरी नहीं है। ये रेवेन्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी दिखा है यहाँ फर्स्ट इसमें, तो वो फिर शुरू में आपके सारे स्पॉन्सर आएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए इसको ऑफ हमेशा रखें, ठीक है। दोबारा से बैक करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, जब एवरेज प्राइस आपको इन्होंने ये बता दी है, मीन होना चाहिए 14 से आने, ठीक है 39, इट मीन्स के इस प्रोडक्ट में इतना ज्यादा वो नहीं है, क्या पोटेंशियल। अच्छा, हम करते हैं FBA को भी कर देते हैं, ठीक हो गया। क्लोज किया, रिफ्रेश बटन में हमें क्या देता है, चलो ठीक है। अच्छा, एक क्राइटेरिया तो ये वाला प्रोडक्ट जो है, अच्छा ये ब्रांड का नेम हो गया, ये तो सिंपल सबको पता होगा। प्राइस जो है 13 to 39, मीन 14 to 39, तो मीन के 14 and 40 तक आप रख सकते हैं। नंबर वन पे आप ये सेलेक्ट करेंगे, तब करेंगे जब इसकी रेवेन्यू जो है वो क्या हो, 15,000 से आनवर्ड हो, तो नहीं शो हो रहे, इसको भी आप निकाल दें। अब वो प्रोडक्ट स्ट्रांग पोटेंशियलिटी के साथ होते हैं जिसकी फर्स्ट 10 या 15 प्रोडक्ट्स जो हो उसमें सारे क्राइटेरियाज जो है वो कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पे देखें हम नीचे थोड़ा सा आएंगे, क्योंकि ये अभी डाउन पे जा रहे, क्योंकि इसकी रेवेन्यू एवरेज इन्होंने निकाली नहीं है, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल नहीं है, तो मीन यहाँ हम 20 तक आ गए हैं लेकिन कोई डेटा शो नहीं हो रहा इसका। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एवरेज प्राइस भी देनी होती है, वो भी नहीं दिए, तो ये सम टाइम जो है आपका नेटवर्क इशू भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने जंगल स्काउट पे एक ये वाला ऑप्शन देखना होता है प्राइस, एक जो इसकी मंथली जो है सेलिंग है वो डेली सेलिंग, ठीक है, और रेवेन्यू, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्राइटेरिया मेट करती है तो इट मीन्स कि आप उस पर कर सकते हैं काम।